आज कल आखिरी दिन है, किस तरह की व्यवस्था हो चुकी है? क्या व्यवस्था तो हमने देख ली, तैयार हैं स्वागत करने के लिए, बस मैट बिछने। मुजफ्फरनगर के लोग हैं, बड़ा दिल है मुजफ्फरनगर का, अतिथियों का स्वागत जो है इतिहास रहा है मुजफ्फरनगर का। करीब 1000 भंडारे गांव से आ रहे, 500 मोबाइल भंडारे हैं और 500-700 ऐसे भंडारे हैं जिनका हमें भी पता नहीं है। मलिक साहब, जैसे आज बीच का एक दिन रह गया पंचायत में, तो किस तरह के लोग आज से आने शुरू हो जाएंगे, किस किस रूट से आएंगे या शहर के अंदर से होते हुए? नहीं, हमने नक्शा जारी किया है। हमारे पास जो है पार्किंग, जो मेरठ रोड है हमारा, उसकी पार्किंग नुमाइश कैंप होगी। जो हमारा सहारनपुर रुड़की रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम 2 में होगी। जो बिजनौर मुरादाबाद जानसठ रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम नंबर 1 में होगी। और जो हमारा शामली मेरठ पानीपत करनाल रोड है उसकी DAV और इस्लामिया में पार्किंग होगी। और उधर से हमारे लोग अंसारी रोड से आएंगे और इधर से जो है सीधा खाड़ा पार से आएंगे और इधर से बाईपास होते हुए, और यहाँ के 2 किलोमीटर के एरिया में किसी वाहन को आने की इजाज़त नहीं होगी। हम अपने गेस्ट भी जो है अपनी कार से रिसीव करेंगे। जैसे विपक्ष है, विपक्ष को भी मंच मिलेगा या उनके झंडे किसी तरह का कुछ नहीं? विपक्ष को जो करना वो अपना करे, हमारे से क्या मतलब? नहीं, उन्हें मंच पे नहीं, मंच हमारा है, हमारा मंच और पंच जो है सब है राजनीति। पहले राजकेंद्र पुलिस के मैदान में एक रैली हुई थी, उसमें विपक्ष के नेता, चलो वो एक वैसा इश्यू था, भावनात्मक था, सरकार से लड़ने का इश्यू था, लेकिन कोई हम विपक्ष के हथियार थोड़ा है। हम आंदोलन में आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी रैली का जो मकसद है वो है कि सरकार देख ले कि हमारे कितने नंबर आपके खिलाफ हैं, कितने लोग आपके विरोध में, आप हमारा फैसला कीजिए। महापंचायत, हम फैसला करवाने के लिए, हमारे पास लोकतंत्र में क्या है दबाव के लिए, तो धरना दे सकते हैं या भीड़ दिखा सकते हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हमारा फैसला कर लो, नहीं तो नुकसान होगा। इस तरह का कोई घोषणा भी की जा सकती है, जैसे महापंचायत में बड़ी घोषणा नरेश टिकैत राकेश टिकैत जी द्वारा कोई घोषणा की जा सकती है? अगर सरकार नहीं मानती तो ये उत्तर प्रदेश मिशन का आगाज है मुजफ्फरनगर से। घोषणा तो बड़ी होगी, पूरे प्रदेश में मिशन चलाया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती। अभी तो हमारा गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य और हमारे 3 बिल और MSP कानूनी गारंटी हो, आवारा पशुओं के बारे में क्या करते हैं, गौशाला कैसे चलाते हैं, ये हमारे लोकल इश्यू भी रहेंगे। बिजली का बिल जो है हरियाणा में 300 रुपये है, यूपी में 2200 रुपये है, GIC ग्राउंड में टेंट, दिल्ली में जो है 70 रुपये यूनिट है, वही बिल यहाँ 2000 रुपये का हो जाता है। GIC ग्राउंड में टेंट लगाया गया, कितनी व्यवस्था है यहाँ पर किसानों के बैठने? भाई GIC ग्राउंड जितना है सारे में लगा दिए, इसमें आ जाएंगे 70-80 हज़ार, तो बाकी के 5 लाख से ऊपर। ये सड़क है, शहर है, स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरे शहर में माइक और LED लगी रहेंगी, जो जहाँ रुक जाएगा वहीं से प्रशासन देखता रहेगा। ठीक ठीक ठीक।